नमस्कार दोस्तों, शारदा निटिंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसमें हम जाली डालना सिखाएंगे कि स्वेटर में जाली पड़ती है वो कैसे डाली जाती है। ये थोड़ा सा मैंने बुन रखा है, ये मेरे एक मित्र को जानना था कि जाली जाली का कैसे बुने। तो अभी कुछ बिना डिज़ाइन के हम डाल रहे हैं, बस जाली डालना बताते हैं। तो एक तो ये बात है कि ये हमारा, जैसे हमने देखा 20 फंदे हैं, 8 नंबर की सलाई है, और मेरा जो भी हाथ का बुनने का तरीका हुआ तो ये लगभग 3.5-4 इंच है। तो ऐसे हम अंदाज कर लेते हैं कि हमको जितना बनाना होता है उस हिसाब से हम किसी भी बुनाई में, मफलर है, शॉल है, तो ये हमारी एक पद्धति होती है कि हम इससे जानते हैं, इस मेथड से हम जानते हैं कि हमको कितने फंदे डालने हैं। इसके गुणा से हम करते जाते हैं, थोड़े से 10-20 फंदे डाल के देख लेते हैं फिर किस सलाई से। अब ये 8 नंबर की सलाई है तो इतना है, अगर ये 9 नंबर की सलाई होती तो ये थोड़ा छोटा हो जाता, और ये 7 नंबर की सलाई होती तो ये और बड़ा हो जाता। तो ये हमारा थोड़ा सैंपल हमको उसी में बुनना होता है जो हम फाइनल बुनना चाहते हैं, उन्हीं सलाइयों पे हमें ये सैंपल बुन के देखना होता है। ये तो इंच की बात हुई। अब जैसे ये है कि हमें जाली डालनी है, जाली कैसे पड़ती है। पहले हम एक दो फंदों को तो सीधा बुन लेते हैं। अब ये ऊन को हम अंदर की तरफ, ऊन को हम ये उल्टे की तरफ लाए, जो ये उल्टे उल्टा जहाँ पे शरीर की तरफ अपने लाते हैं, और फिर अगले दो फंदों को ये हम सीधे की तरह इसमें घुसाते हैं सलाई। ऊन उल्टे की तरफ है और सलाई को दो फंदों में एक साथ घुसाया हुआ है, और इनका हमें ये जोड़ा बुनना है। इसको ये हमारा जोड़ा, एक साथ दो को बुन के उतार दिया। अगला एक फंदा हम सीधा बुन लेते हैं और फिर हम ऊन अंदर की तरफ लाते हैं, जैसे उल्टा फंदा बुनते हैं वहाँ ऊन लाए हैं हम, और फिर हम इन दो फंदों में सीधे की तरह इसमें ये हम डाल रहे हैं सलाई। जैसे हमारा एक वीडियो है 10 नंबर का कि उल्टा सीधा फंदा कैसे बुने, आप उसको देख के सीख सकते हैं। ये हमने जोड़ा बुन दिया, अगला फंदा हमने फिर सीधा बुना, और फिर हम ऊन को ये उल्टे की तरफ लाए हैं, और ये हम फिर से दो फंदों का ये जोड़ा बुन रहे हैं। अब मैं बुनती हूँ, थोड़ा सिलाई पूरा करती हूँ। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इस, ये जो हम अंदर लाकर और हम ये कर रहे हैं, जो ये फंदा चढ़, ये जो ऊन चढ़ रही है सिलाई पे, इसको यार्न ओवर कहते हैं। और दो का जोड़ा जब एक साथ बुना जा रहा है सीधे के रूप में, तो इसको के टू टुगेदर, निट टू टुगेदर, निट की शॉर्ट फॉर्म के हो गई, तो ये के टू टुगेदर हो जाता है। पहला फंदा हमने साधारण सीधा बुना, ऊन अंदर की तरफ लाए, और दो फंदों का हमने जोड़ा, दो का जोड़ा सीधे का, दो का जोड़ा ऊन लपेटते हुए, ये लिपट गई ऊन, यहीं फंदा बढ़ गया और यहीं पर फंदा घट गया। इस तरह से ये जाली वाली बुनाई जो है ये फंदा बन जाता है। जाली के बुनाई के जो डिज़ाइन होते हैं उनमें तो डिज़ाइन के हिसाब से जाली पड़ती है, लेकिन जाली पड़ती कैसे है वो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ अभी। तो अब हम उल्टी सिलाई को साधारण उल्टा बुनते हैं, उल्टे में हमें कुछ नहीं करना होता है। तो ये हम उल्टी सिलाई बुनते हुए आएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि सीधा उल्टा कैसे बुने वो 10 नंबर वीडियो है, और बुनाई में फंदे कैसे डालें वो 7 नंबर वीडियो है। ये दोनों वीडियो देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही रखा है आप लोगों ने, और अपने मित्रों को करा दीजिए, थोड़ा लाइक कर दिया करिए, जो थम्सअप का साइन होता है उसको दबा दिया करिए, और कमेंट करना है कमेंट कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अगर ये आप नए मित्रों को दिखा दीजिए। कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट भी कर सकते हैं, हमको भी उत्साह बढ़ता है। ये हम आ गए। अब जब हम अगली सिलाई बुनेंगे तो ये हमारा, अभी तो कोई हम डिज़ाइन नहीं बुन रहे हैं, बस हम जाली डाल रहे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि हम जाली के ऊपर जाली नहीं डालेंगे। ये हमारी जाली है, ये हमारी जाली पड़ी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये तो इसके ऊपर नहीं डालेंगे, इसके ऊपर का हम ये फंदा सीधा बुनेंगे। सीधा मतलब कि ये हम ले जाके ये ऐसे करके सीधा बुन देंगे, और इसके बाद के जो ये दो फंदे हैं, ये जो दो फंदे हैं इनके ऊपर जाली डालेंगे। तो हम इसको अंदर लाएंगे ऊन को, और फिर से हम इन दोनों फंदों को एक साथ इकट्ठा घुसाएंगे सलाई दोनों में एक साथ, और ऊन उल्टे की तरफ अंदर है और हम इसको ऐसे बुन देंगे। ये जब इकट्ठा बुन जाता है तो यहीं बढ़ गया यहीं घट गया, फिर ये जाली आ गई, ये जाली दिखाई दे रही है। इसके ऊपर हम फिर से सीधा फंदा बुन देंगे, और फिर हम ऊन अंदर की उल्टे की तरफ लाएंगे, अंदर की तरफ अपने शरीर की तरफ, और फिर अगले दो फंदों का
ये हम ऐसे करते हुए जोड़ा बुन देंगे। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। मेरे मित्र के लिए भी शायद उनका काम हो जाए ये देखकर कि ये देखिए ये जाली जाली पड़ गई। तो ये 20 फंदों में 8 नंबर की सिलाई से इतना बड़ा हो गया, ये देख सकते हैं। तो ये जाली के मफलर शॉल बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के स्वेटर में भी ये जाली पड़ती है, बहुत अच्छे डिज़ाइन पड़ते हैं। तो आगे हम मिलेंगे तो उस तरह के डिज़ाइनों की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।